कर दे फुल कैमरा की। आज ओलंपिक ग्रामीण ओलंपिक राजीव गांधी खेल प्रतियोगिता में मुख्य समारोह उपस्थित हमारी संस्कृति विभाग लक्ष्मणगढ़ और आज के यहाँ पधारे हमारे पीओ साहब और सरपंच साहब और सभी समस्त स्टाफ और हमारे गुरुजी आस मोहम्मद जी, जो विशेषकर हमारे गुरुजी नहीं, हमारा रिश्ता कुछ हमारे फूफा लगते हैं रिश्ते में, तो मैं तो गुरुजियों से ये कहूँगा कि हमें आप ज्यादा मान सम्मान के वर्ड यूज ना करें, क्योंकि हम आपके भतीजे हैं और आप हमारे फूफा लगते हैं रिश्ते में, तो मैं तो बाकी आपकी मर्जी है। हाँ, बाकी मैं आज इस सम्मानित मंच सभी को, बच्चों को जो इस प्रतियोगिता में बच्चों ने जो भाग लिया विजेता है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को मैं आगे आशा करता हूँ इसी तरीके से आगे विजयी होते रहें, जीवन में विजयी लक्ष्य प्राप्त करें। और रही बात खेल की, खेल में आपको एक जो पढ़ाई से जो काफी अपन साल भर पढ़ाई करते हैं उससे आप कभी जैसे बोरिंग महसूस करते हो, थकान महसूस करते हो, तो ये खेल एक ऐसा है जो आपके लिए उमंग लाता है, जो आपको स्वस्थ रहने में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, आपके शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, ये आपको बहुत सारी बीमारियां जो चल रही हैं ये बचाने के लिए बहुत जरूरी है, कि हम ये चीजें हैं, एक आपको मनोरंजन भी होता है, दूसरा आपका स्वस्थ लाभ भी मिलता है इससे, तो मैं यही कहूंगा कि और इससे बहुत सारी बात ये है कि जैसे हमारे आज नीरज चोपड़ा जी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें मेडलिस्ट लाए थे, बड़े खिलाड़ी हुए हैं और नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे बहुत सारे इसमें हमारे खिलाड़ी हैं जो इस ग्रामीण से ही गए हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि इसमें छोटे से लेकर बड़े स्तर तक इंटरनेशनल स्तर तक बहुत सारी नौकरियों का इसमें ऑप्शन है, स्टेट लेवल के बच्चों को नेशनल लेवल के बच्चों को इसमें नौकरियों में रिजर्वेशन है, स्पोर्ट्स कोटा है, तो इसमें खेल के बारे में आपको गुरुजी ने भी बताया था, मैं कह रहा हूँ इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो बच्चा पढ़ाई में थोड़ा वीक है वो खेल में रुचि ले सकता है, वो आगे तक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है, तो सभी बच्चों से गुरुजियों से मेरा यही आग्रह कि बच्चों को बराबर इसमें खेल में रुचि बनाए रखें, समय पर इनको प्रशिक्षण देते रहें, समय पर इनको मोटिवेट करते रहें, और हमारे खेल मैदान की, खेल मैदान की बात पहले जो मीटिंग हुई थी वो उसमें भी ये चली थी, गुरुजी ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा था, तो मैं गुरुजी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें खेल का जो मैदान के जो पैसे हैं लगभग 13 लाख रुपए का जो सेंक्शन हुआ था 3 साल पहले हो चुका है, 3 साल बाद रेट इतनी बढ़ गई है कि 13 लाख की जगह वो लगभग आज 20 लाख में काम होगा, कोई भी ठेकेदार उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि रेटें बढ़ चुकी हैं, पहले 300 का कट्टा आता था अब 410 का आ रहा है लगभग, तो बहुत सारे मटेरियल में रूम में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से ठेकेदार इसमें आज एग्री नहीं है, तो हम इसको नए सिरे से सैंक्शन करा रहे हैं, हम आपको निश्चित तौर पे वादा करते हैं, जैसे इसमें महीना डेढ़ महीना दो महीना जो भी लगता है मिनिमम ये लगेगा, और इसको सैंक्शन करा के आपके नए सिरे से आपको इस काम को चालू कराएंगे, निश्चित तौर में मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि मैं अभी इसको अभी 2-4 महीने में, ज्यादा नहीं 2-3 महीने में ही इसको चालू करवा दूंगा, क्योंकि प्रोसेस लंबा है, सरकारी काम का 1 रुपया भी कहीं जगह लगाना और लेना बड़ा टेढ़ा काम है, प्रोसेस लंबा है, 1 रुपये का भी तो नहीं है, 1 करोड़ रुपए की सैंक्शन का भी तो नहीं है, तो प्रोसेस ये भी हम यहाँ से इसको करके और जिला परिषद से जैसा भी है पीडीओ साहब ने बताया उस हिसाब से हम इसको करवाएंगे, निश्चित मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि इसको 100% आपको करवा के देंगे आप इस काम, क्योंकि नरेगा में पुराने काम सेंक्शन हुए पड़े उनमें कोई समस्या नहीं है, बीच में हमारे यहाँ पर क्या हुआ सेक्रेटरियों की हड़ताल चल रही है उसमें भी इसकी वजह से भी सारे काम ठप है, वो भी अब 2-4 दिन में कहीं ना कहीं अगर सोल्यूशन हो जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो बहुत सारी समस्याएं रहती है, अब हमें पता है कि हम चिमरावली में जा रहे हैं, हमारे सामने वही मुद्दा उठेगा कि आपको खेल मैदान के पहले भी बताया था, आप दोबारा भी बता रहे हैं, तीसरी बार बता रहे हैं, लेकिन सरकारी पैसे को लगाना बहुत टेढ़ा काम है, मैं इसी गांव से नीलगिरी वाला नहीं देकर मैं आपको हकीकत से अवगत करा रहा हूँ कि इसमें पुराना बजट है, पुराने बजट की वजह से अभी नया ठेकेदार इसको काम नहीं कर रहा, इसको नए सिरे से सैंक्शन करा के इसको करवा देंगे, जो भी उनकी समस्याएं छोटी है इसमें आप जो समस्या
इसमें अपने तरफ से एक प्रस्ताव बना के और एप्लीकेशन दें एसडीएम साहब को दें, हम एसडीएम साहब से बोलेंगे, अतिक्रमण भी हटवाएंगे आपका और वो स्कूल निश्चित तौर से उसमें कार्रवाई होगी। बाकी ग्रामवासियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है कि इसमें मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी भी तरह प्रशासन की पुलिस प्रशासन की आवश्यकता नहीं पड़े, भाईचारे से सबके समायोजन से समझौते से वो अतिक्रमण है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें प्रशासन का सहयोग रहता है, प्रशासन से कई बार ऊंच नीच भी हो जाती है क्योंकि वो चीजें गवर्नमेंट की जमीन है, आपका इसमें बच्चों का भला है, अपने उसमें सरकारी कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह खुलेगा या बच्चों के लिए और कोई उसमें रूम्स वगैरह बनेंगे या जो भी होगा आपके भले के लिए होगा, आपके बच्चों के भले के लिए होगा। तो मैं सभी से तुम्हें यही कहूंगा ग्रामवासियों से कि इसमें जो अतिक्रमण वाली समस्या है इसमें आप मिलके एक बार बैठ के बैठक करें और इसमें सहयोग करें जिससे यह अतिक्रमण हट जाएगा, प्रशासन की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी अगर कहीं आपका नहीं बैठता है तो हम आपको बिल्कुल सहयोग करेंगे, प्रशासन का भी सहयोग लेंगे लास्ट में। और रही बात हमारे गुरु जी की, आप प्रिंसिपल साहब हैं, आपके सीओ साहब हैं, इनका नेचर इतना अच्छा है कि बीच बीच में कई बार कॉल करते रहते हैं, इसके बारे में जो खेल मैदान वाले इसमें कम से कम 10 बार इन्होंने कॉल किया है, हमने यही समस्या बताई कि गुरुजी इसमें ये समस्या आ रही है, हमारी और कोई बदध्यानति नहीं है, नहीं हमारी सरकार और प्रशासन ये सब सारे लोग एग्री हैं, अब वो प्रोसेस है उसमें महीने दो महीने का जो टाइम लगेगा उतना इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। और रही बात आगे की, हमारी सरकार ने आपको ये जीवन बीमा है, पहले 5 लाख रुपए तक का होता था, अब 10 लाख बढ़ा दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, विकासशील मुख्यमंत्री जी, जिनके बारे में हम मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, उन्होंने इतने काम कराए कि अगले जो 20 साल है ना उनका कोटा पूर्ति कर दिया। आप उठा के देखें, आपको हर जगह कॉलेज स्कूल अपग्रेड कराए हैं, दुनिया भर के हॉस्पिटल निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क दवा, मतलब और कन्या योजना, दुनिया भर की योजनाएं ऐसी चला दी है कि आने वाले 15 साल में भी सरकार से मतलब अगली सरकार से भी पूर्ति नहीं होंगी, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे एमएलए साहब जाएं और 5 दिन के अंदर कोई भी काम हो उसको सेंक्शन करा लाते हैं। आपको मतलब बड़ा हर्ष और खुशी की बात है कि हमारे लिए ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, शायद देश में पहला नंबर है विकास में। कोरोना के टाइम में भी इतना अच्छा मैनेजमेंट रहा उनका कि उनको देश ने पूरी दुनिया ने सराहा। तो मैं तो यही कहूंगा, आपको बार बार धन्यवाद दूंगा कि हमारे लिए ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हमारे लिए आप लोगों ने चुने हैं। तो इसी के साथ सभी को पुणे में विजेता टीम को और यहाँ ग्रामवासियों को समस्त स्टाफ को पुणे धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर मान सम्मान किया। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।